एक बच्चे के लिए जन्म से पहले उसकी माँ की कोख और जन्म के बाद माँ की गोद, इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकती। अनुष्का और विराट कोहली अगर अपनी बच्ची के लिए फिक्रमंद हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो, मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। कोरोना नियमों का पालन कृपा करके शिद्दत से करना, और सर्दी भी चरम पे है, उससे भी अपना ध्यान रखिएगा। आजकल लोग अनुष्का शर्मा विराट कोहली को थोड़ा सा ट्रोल कर रहे हैं। एक तो विराट कोहली की जो है बैटिंग सही नहीं है, जबकि मैं कहूँगी कि ऐसे ट्रोल करना वहाँ पे उनको गलत है, क्योंकि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। और विराट कोहली ने खुद को साबित किया है कैप्टन के तौर पे, बैट्समैन के तौर पे। तो इस तरह से तुम्हारी सेंचुरी नहीं देखी, तुम्हारी हाफ सेंचुरी नहीं देखी, भैया इन सब चीज़ों के लिए हर इंसान का शरीर है, कभी नहीं साथ देता, वक्त है। इस तरह से ट्रोल करना उनको तो खैर गलत है, मैं ये कहूँगी। लेकिन हाँ, उनकी बेटी बामिका जो अभी शायद 1 साल की हुई है, वो क्रिकेट स्टेडियम में अपनी बेटी को लेके गई है अनुष्का शर्मा, और वो विराट कोहली को चीयर्स करते हुए देख रही है, उनको उनका प्रोत्साहन करते हुए दिखा रही है वो अपनी बेटी को। इस तरह से देखा जा रहा है, जहाँ वीडियो क्लिप निकली है। तो बहुत सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं उसमें, और वो अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा चिंतित तो हैं। और किसी कैमरामैन ने जिस तरह से वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पे थी स्टेडियम में, तो किसी कैमरामैन ने फोटो उसकी क्लिक कर ली, और क्लिक करते ही वो धीरे से वायरल हो गए। जाहिर सी बात है, अनुष्का विराट की बेटी है तो उसको वायरल तो होना ही था। और दोनों के दो अपने क्षेत्र के महारथी है, सभी को पता है विराट कोहली की महानता किसी को से छुपी हुई नहीं है, और अनुष्का शर्मा वहीं ग्लैमर वर्ल्ड से आती है, और वो भी अपनी जगह पर अपने मुकाम पे हैं। दोनों को उनके नाम से लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया भी। एक लेकिन इसके साथ साथ ही वो माँ बाप भी हैं, वो अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद है। ये बच्चों, ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अनुष्का और विराट, उन्होंने हर बार वो नोट लिख देते हैं कि हमारी बच्ची की पिक्चर लेने की कोशिश ना की जाए, या इसको वायरल करने की कोशिश ना की जाए। जबकि पता है कि तैमूर अली खान को तो बेडरूम से लेके बाथरूम तक नहीं छोड़ते, ये हमारे देश की मीडिया इस तरह का गिरा हुआ है, सभी को पता है। लेकिन अनुष्का और विराट कोहली, इनको हम एक बात कहना चाहेंगे, उन्हें पता है कि हम किस स्तर के, हमारा लेवल क्या है, और हमारा ग्लैमर क्या है, लोगों की दीवानगी हमारे लिए क्या है। अनुष्का और विराट की बेटी, उसकी फोटो मिल जाए और मीडिया इस देश की क्लिक ना करे, ऐसा हो सकता है? वो भी स्टेडियम के अंदर, वो मैच के दौरान अपनी बेटी को लेके जाती हैं, वहाँ पे दिखाती हैं सबको। अब कहीं ना कहीं लोग तो ताक पे लगे रहते हैं, यहाँ की मीडिया को और कोई काम तो है नहीं, उनको यही ताक में कि कोई इस तरह से मिल जाए, थोड़ा सा सबसे थोड़ा अलग हो। तो वीडियो ले ली किसी कैमरामैन ने, आ गया वो कैमरा के फेस के सामने, तो क्लिप देखते देखते वायरल हो गई। फिर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा फिर से अपील करते हैं कि हमारी बेटी की पिक्चर को ना, जो है उसको वायरल ना किया जाए, दिखाया ना जाए, जबकि ये गलत है। उन्हें पता होना चाहिए, अगर उनको लगता है कि हमें अपनी बेटी की को दुनिया को नहीं दिखाना है, दुनिया के सामने हमें नहीं लाना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब अपनी बेटी को आप घर के अंदर ही रखें। आपको अपना लेबल पता है, आप जानते हो कि हम किस तरह से आते हैं। आपकी एक एक पिक लेने के लोग आपके पीछे दीवानों की तरह भागते हैं, तो आपकी बच्ची को की पिक के लिए कितने दीवानापन लोगों के अंदर, जबकि 1 साल के हो गए, लोगों को अभी तक पिक्चर मिली नहीं थी। वहीं से नोएडा, सॉरी, क्रिकेट स्टेडियम से ही वो पिक आई और वो वायरल हो गई, और आप उसमें हाइपर होने की कोई बात नहीं है। मैं तो फिर भी कई तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं, और मैं भी उनका साथ दूंगी। आपकी बेटी खुश नसीब है, उसने आपके घर में जन्म लिया है। कैमरा, क्योंकि मीडिया का स्तर गिरा हुआ है तो है ही, उन्हें लगता है कि यार इनकी पिक्चर लेके शायद हमारी जो है हमारा चैनल चलेगा, या हमारा कुछ भी हो, अपना फायदा देखते हैं उसमें। लेकिन एक मैं देश की मीडिया को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं,
काश कभी किसी पटरी में बैठे हुए बच्चों की पिक आपने ले ली होती। हाँ मैं मानती हूँ, अगर आप बड़े बड़े हस्तियों के बच्चों के पीछे आप दीवानों की तरह भागते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा तो होता ही होगा, तभी आप इस तरह से भागते हैं। पैसा बहुत कमा लिया लेकिन थोड़ा सा इंसानियत कमाल हो गया, क्योंकि आपके पास जरिया है, आपके पास मीडिया का एक लाइसेंस होता है जिसकी वजह से आप कहीं पे भी जाके किसी की पिक ले सकते हो, दिखा सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का जरिया है तो थोड़ा इंसानियत कमा लो, मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि शायद किसी का भविष्य सुधर जाए, शायद किसी को किसी ठिठुरते हुए ठंड में कुछ बच्चे सड़कों के किनारे होंगे बिना चप्पलों के, बिना कपड़ों के, बिना अन्न के, बिना ढके हुए, नंगे पांव बैठे हुए हैं पटरियों के, रेल कभी मंदिरों के बाहर तो कभी फुटपाथों पे, कभी आपका कैमरा काश उनको कैप्चर कर लेता। इंसानियत कमा लेते, पैसा बहुत कमाया जाता है, शायद किसी का भाग्य सुधर जाता, शायद किसी की नज़र उन पे पड़ती, शायद कोई दया दिखाता, कोई उनको सर्दी से बचाने की सोचता, कोई उन्हें गर्मी से बचाने की सोचता, कोई उनकी शिक्षा पे ध्यान देता, किसी एक का भी बहुत सुधर जाता। सेलिब्रिटीज के बच्चे, जो बड़े हस्ती है उनके बच्चे पहले ही भाग्यशाली है, हमें उन बच्चों से दिक्कत नहीं है, बच्चे वो पहले से ही भाग्यशाली हैं कि उन्होंने इतने महान घरों में जन्म लिया, उनकी वे उनकी खुशकिस्मती है। लेकिन आप कभी गरीब बच्चों को कैप्चर करके देखो, वहाँ पैसा आपको उतना नहीं मिलेगा, इतना जरूर है, लेकिन इंसानियत कमाल होगी, आपके शरीर, आपके आत्मा को जो सुकून वहाँ पे मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ विराट और अनुष्का अपने बच्चे के लिए वो कंसर्न है, वो फिक्रमंद है, हर कोई माँ बाप होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए, अगर हमें अपने बच्चों के, हम लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की पिक्चर वायरल नहीं किया जाए, ये नहीं किया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी हस्ती, जहाँ लोग अब यहाँ की मीडिया सेलिब्रिटी के बच्चों को ऐसे ताक रहते हैं जैसे पेड़ पे आम, पका हुआ आम नीचे को गिरता है ना, उस तरह से देखते रहते कि कहीं कोई मिल जाए, किसी को कोई पिक मिल जाए और हम वायरल करें, हम उसको सेल करें या कुछ पैसा कमाएं। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हमारी बेटी की पिक ना वायरल की जाए या कहीं सामने ना आए, तो कम से कम आपको ऐसे इतने बड़े मैच में तो लेके नहीं जाना चाहिए था फिर उसको, ऐसा कहीं हो सकता है कि इतने बड़े मैच में आप अपने बच्चे को लेके जाए, इसके लिए तो किसी के कैमरा की नज़र जरूर पड़ती, आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो। आपकी फिक्र से हमें वो नहीं, बिल्कुल जरा भी नाराजगी नहीं है कि आपकी फिक्र बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप माँ बाप हो, बच्चे के लिए माँ बाप की फिक्र हमेशा ही रहती है, लेकिन दूसरा पहलू भी ये, आप बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारी हस्ती क्या है और किस तरह से लोग हमारे एक-एक चीज को कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता था तो बच्चे को घर पे छोड़ के जाते, जोड़ थोड़ा था बच्चे को लेके इतने बड़े क्रिकेट मैच में जाओ, और फिर आप बोलते हो मेरी बच्चे की पिक ना शेयर किया जाए, वायरल नहीं किया जाए, यही बिल्कुल गलत है। और बाकी मैं हमारे देश की मीडिया को फिर कहना चाहूँगी, आपने हर तरह से अपना जो है स्तर गिराया हुआ है, माना आप हर जगह सिर्फ, हर इंसान आज बिक गया सिर्फ पैसा ही है, लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर आपके पास एक जरिया है, किसी गरीब को उठाने की कोशिश भी करो, किसी लाचार को कैप्चर करने की भी कोशिश करो, शायद आपका जो जिस पैसे में आप हो उसमें आपको थोड़ा सुकून मिले, और पूरी ज़िंदगी भर हमने कुछ तो इंसानियत कमाई, पैसे क्या रहा। नमस्कार। अनुष्का विराट की जो फिक्र है अपने बच्चे के लिए बिल्कुल जायज है, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं दूसरी तरह से, उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस वर्ल्ड से किस जगह से आते हैं, लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, क्योंकि वो हर बार यही बोलते कि हमारे बच्चे की पिक वायरल नहीं की जाए, लेकिन उनको जानते हुए भी कि हमारा स्तर क्या है, हम किस लेवल से, कितने लोगों की दीवान की हमारे पीछे, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ना किया जाए हमारे बच्चों को पिक्चर, ये गलत है। बाकी अगर आपको मेरे वीडियो में अच्छा लगा कुछ तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।